से सभी के सभी मेरे ख्याल से हम लोग ने बेल पे निकाले हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार ने जो फर्जी मुकदमे दायर किए हैं उसको खारिज करी। सहारनपुर आप गए थे तो क्या चंद्रशेखर आजाद से लेकर क्या कोई बातचीत हुई आप लोगों की? नहीं, उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई वहाँ पर, लेकिन डॉक्टर महेश चंद्र और उनकी जो टीम थी उसके साथ में बातचीत हुई और उन्हें कई बातें हम लोग को बताई वहाँ पर, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ और सरकार का अब भी रवैया क्या है वही दिखाई दे रहा है। इंक्वायरी अब भी वहाँ पर चालू है ऐसी दिखाई दे रही है। जब इलाहाबाद में जो मामला आया है जो तहसीलदार का एक्सीडेंट जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कानून से उनकी भी थोड़ी हत्या हुई है, उस पर क्या कहेंगे कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर तो सभी जगह गिरते जा रही है, यूपी में खास गिरते जा रही है। ये सरकार के जो अपना एक एजेंडा लेके चली है उस एजेंडा के मुताबिक हत्या, मारपीट करना, पथराव करना ये आम बात हो गई है। और ये पार्टी की जब लाइन बनती है, किसी पार्टी की लाइन बनती है तो पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो इमोबलाइज हो जाता है। जैसे कि हमने एनसीपी के बारे में जब बताया कि यह पुलिस ने यही अगर संभाजी भिड़े और मिलिंद एकबोटे को उस वक्त अगर एनटीए के नीचे अगर उनको अरेस्ट होता तो शायद उनकी ताकत इतनी नहीं बढ़ती कि वो लोगों पर अटैक करे। जो दलित भाई आए थे, जो हिंदू भाई आए थे, उन पर जो अटैक करने की उनकी ताकत हुई है उसकी वजह यही है कि सरकार उनको पना दे रही है। दो छोटे छोटे सवाल और हैं सर। एक तो कि जो आप लोग 26 फरवरी को जो जंतर मंतर बताने जान रहे प्रोटेस्ट करेंगे, इसमें प्रकाश अम्बेडकर के अलावा और कौन कौन लोग शामिल होने, कौन कौन लोग आ रहे हैं? ये काफ़ी लोग आएंगे, उनके उचित वक्त पर हम लोग नाम बताएंगे। एक सवाल सर, आपका बयान छपा था कई अखबारों में कि आपने कहा कि मोदी जी का काम ठीक ठाक है और शायद आपने मैंने ये कहा था कि राहुल गांधी के कंपैरिजन में मोदी जी के अगर हम लोग देखें तो शायद मेरे ख्याल से मोदी जी का जो इमेज है वो उनसे क्लीन है और उसकी वजह ये है कि कांग्रेस की इमेज जो है वो गलत है। और इसलिए हमने ये सलाह दी थी कांग्रेस को कि 2019 का जो चुनाव है वो 2019 का चुनाव जो है वो दूसरे सेक्युलर दल जो है उसको दे सौंपे और कांग्रेस जो है 2024 के लिए वहाँ पर तैयार हो जाए। देखिए कि जो बयान सदन में राफेल के बारे में दिया था वही मुद्दा गुजरात के इलेक्शन में उठा था और तब ये कहा था कि राफेल डील में कोई भी कठोची नहीं है। उसका जवाब जो आज दिया है वही वहाँ पर अगर देता तो शायद मेरे ख्याल से इलेक्शन का रिजल्ट कुछ और होता। लेकिन सही वक्त पर सही जवाब न देना और वक्त बीतने के बाद ये जो जवाब देने की बात जो आ रही है कांग्रेस पार्टी की ओर से वही उनको नुकसान पहुंचा रही है। ये सवाल यह है कि ये आर्मी का पूरी तौर से अपमान है और दूसरी तरफ मैं ये कहूँगा कि प्रमोद महाजन जब थे तो उन्होंने बयान दिया था आर्मी जो है वो पाकिस्तान से लड़ेगी और हमारे जो सैनिक हैं वो यहाँ अंदर मुसलमानों के साथ लड़ेगी। इस सरकार की जो नीतियाँ फेल हो रही है उससे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये एक वॉर की तैयारी कर रहा है। एक्सटर्नल वॉर पाकिस्तान के साथ होगा। आरएसएस ने ये एक खुलासा करना चाहिए कि इंटरनली इनके कमांडो जो है वो मुसलमानों के साथ वॉर करेंगे। तो कहीं ना कहीं तो मुझे बू आ रही है कि सरकार हर चीज़ पर नाकामी हो रही है, लोग उनसे खफा हो रहे हैं और वही दोबारा परिस्थिति लाने के लिए पाकिस्तान के साथ मेरे ख्याल से ये कहीं जुलाई सितंबर में वॉर करेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन आप ये कहना चाहते हैं कि बाहर
के बजाय अंदर के लोगों को भी डराया जा रहा है। अंदर के लोगों को पूरी तरह से डराया जा रहा है, मतलब मुसलमान यहाँ तो डर चुका है, अब ये दलितों को डराने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। और यही हम लोग कह रहे हैं कि भाई 26 जनवरी के माध्यम से कि हम संगठित हैं, हाँ आपसे डरेंगे नहीं, यही हम लोग संदेश देना चाह रहे हैं। आज भी कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया का स्टेटमेंट छपा है जहां पर उन्होंने कहा है कि वी आर सॉफ्ट इन रिकवरी एंड दे आर हार्ड इन रिकवरी। ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं तो भी संविधान को ठेस पहुंचाने वाली बात है, अगर ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि नो स्टेट कैन हैव अ रिलीजन, स्टेट विल नॉट हैव अ रिलीजन बट इंडिविजुअल विल हैव अ रिलीजन, मतलब व्यक्तिगत तौर से कोई भी अपना धर्म अपना सकता है लेकिन राज्य को धर्म नहीं होना सकता है। ये जो संविधान की बात है, ये संविधान की बात मेरे ख्याल से कांग्रेस ने तोड़ दी है, उसको टुकराया है और वो उसी लाइन पर जा रहे हो कि इस देश में हिंदू धर्म होना चाहिए। उनका कहना इतना ही कि सॉफ्ट हिंदुत्व होना चाहिए, हार्ड हिंदुत्व नहीं होना चाहिए। मुझे हांग असेंबली के सिनेरियो तो दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर, लेकिन साथ साथ जो है वो कांग्रेस ने ये कहा था कि आइदर मल्लिकार्जुन खड़गे और मुनियप्पा, ये दोनों में से एक को जो है वो हम 2019 को मुख्यमंत्री बनाएंगे। सिद्धरमैया को पिछली बार जो बनाया था, अभी कांग्रेस ने ऐलान किया है कि कर्नाटक का इलेक्शन जो है वो सिद्धरमैया के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और वही चीफ मिनिस्टर है, तो इससे जो है वो दलित समाज जो है वो कांग्रेस से कट चुका है ऐसा मैं मान के चलता हूँ। जहाँ तक मुसलमानों की बात है, नॉर्दर्न कर्नाटक जिसको हम लोग कहते हैं, नॉर्दर्न कर्नाटक MIM के साथ में है, सदर्न कर्नाटक जो है SDR के साथ में है वहाँ पर, लेकिन एक अजीब सी मूवमेंट वहाँ पर खड़ी हुई है और वो विश्वेश्वर को लेके खड़ी हुई है लिंगायत समाज से, और वो ये कह रहे हैं कि लिंगायत समाज जो है या बसवेश्वर जो है उसका एक अलग धर्म है और उसको उसी को एक अलग धर्म के नाम से पहचाना जाना चाहिए और मान्यता मिलनी चाहिए। इस मांग को लेके मेरे ख्याल से BJP जो है कभी एग्री नहीं करेगी, क्योंकि उस वो अगर विश्वेश्वर को अलग धर्म मानती है तो शायद मेरे ख्याल से कर्नाटक महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में जो विश्वेश्वर को मानने वाले हैं उनकी संख्या बढ़ेगी और उतनी हिंदुओं की संख्या कम होगी, इसलिए वो मानेंगे नहीं। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर उनको इसको अलग से स्टेटस देना होता तो शायद मेरे ख्याल से वो असेंबली में एक एक्ट पास करके दिस इज़ अ सेपरेट रिलीजन करके करते, लेकिन उन्होंने वो किया नहीं किया। इस बार मुझे लगता है कि ये जो 3 तारीख का जो उभराव दिखाई देता है उसको एक पॉलिटिकल शेप मिलेगा ऐसा मुझे लगता है पूरी तरह से। सर 21 मई का धरना भीम आदमी के तत्वाधान में हुआ, 18 जून का धरना महासंघ के तत्वाधान में हुआ, अब 26 फरवरी का धरना जिसकी अभी आपने ऐलान किया है, क्या लगता है इतने बड़े बड़े लाखों लोगों के हजूम के बाद सरकार पर दबाव नहीं बन पाया, आप किस तरीके से सरकार पर दबाव बनाने का 26 फरवरी के धरने से देखिए कंटिन्यूटी अगर होती है उस दबाव जुलूस और जुलूस में शामिल होने के बाद लोग जो एक दबाव देखते हैं उसकी अगर कंटिन्यू रहती है तो सरकार पर दबाव होता है।
अगर हम लोग एक दिन इकट्ठा होते हैं और दूसरे दिन अगर उसको फॉलो नहीं करते तो शायद मेरे ख्याल से वो गल जाता है। हम लोग ये कह रहे हैं कि 26 तारीख के बाद जो उबराव होगा उससे जो है एक माहौल बनेगा और उस माहौल को हम लोग पूरी ताकत से जो है इकट्ठा रखने की और उसको एक शेप देने की कोशिश करें। सर, सभी लोग ये कहते हैं कि सभी समाज एक हो जाए, सभी संगठन एक हो जाए, लेकिन हमारे इस देश के ये जो नेता लोग हैं ये एक क्यों नहीं हो रहे, क्या कारण है इसका? ठीक है, सभी जन एक ही एक हो गए, बीजेपी में चले गए। आप कहाँ कहते थे नहीं सभी ये, मैं अकेला ही बचा हूँ बाहर हूँ, तो सभी जो है बीजेपी में चले गए। बीजेपी में जाके उन्होंने अपनी एकता दिखाई, तो ये मेरे ख्याल से जो है वो परिस्थिति पर काफ़ी बयान करती है। नेता अपने दिल से नहीं राजनीति करते लेकिन किसी के कहने पर राजनीति करते, तो ये मेरे ख्याल से लोगों के सामने बात आ चुकी है। अब इसको दोहराने की कोई बात है ऐसा मैं नहीं मानता।